उन्नाव जिले के बांगरमऊ में थाना दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक के साथ साथ राजस्व विभाग के कर्मचारी सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। थाना दिवस में एक प्रकरण गुड्डी किन्नर का आया और ये प्रकरण काफी दिनों से चल रहा था। जब किन्नर ने प्रार्थना पत्र दिया तो उपजिलाधिकारी भी कार्रवाई करने से बचते नजर आए। पत्रकारों ने उस विषय में पूछा तो उपजिलाधिकारी ने बताया कि इन्होंने जो जमीन खरीदी है वो दूसरी जगह है और जहां पर पजेशन दिया गया है वो बेचने वाले ने गलत दिया है, इसलिए जिसने उस भूखंड की बिक्री की है उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। किन्नर ने आरोप लगाया है कि उससे 4 लाख रजिस्ट्री के नाम पर और 40,000 प्रधान प्रतिनिधि ने लिए हैं। इस विषय में उपजिलाधिकारी ने बताया कि जो व्यक्ति दोषी है वो विक्रेता है, लेकिन बीच में जिस पर पैसे खाने का आरोप लग रहा है और लिखा पड़ी में उसका नाम नहीं है उस पर कार्रवाई करना मुश्किल है। आपके साथ में क्या हुआ? हमारे साथ ये हुआ, हमने एक जगह देखी थी, करीब महीना भर देखती रही, उसके बाद लोगों ने बताया, लोगों को उनसे रामचरण प्रधान पप्पू त्रिवेदी, इन्होंने बताया जगह वहाँ पे बिकाऊ है, उसको बिकवा दीजिए। तो रामचरण प्रधान ने बिकवाने के लिए वो रमाकांत शुक्ला से बात की। रमाकांत शुक्ला मास्टर साहब है, जीरकपुर के रहने वाले। रमाकांत शुक्ला ने फिर हमको बुलाया, फिर बातचीत हुई तो रमाकांत शुक्ला बोले कि 4.5 लाख के, 4.5 लाख की पड़ेगी। तो हमने कहा 4.5 लाख नहीं मेरे पास है, 4 लाख तक है, हम दे सकती हूँ। तो 4 लाख की जगह जगह की बातचीत होकर उसके बाद 8 दिसंबर को लिखा पड़ी हुई। 8 दिसंबर के बाद में लिखा पड़ी होने के बाद में 30 दिसंबर से हमने बनाना चालू किया उसको। 30 दिसंबर से बनाना चालू किया और उसके बाद लेखपाल गया एक दिन, करीब 10-12 दिन के बाद बोला यहाँ पर से बनाना, आगे मत बनाना। तो हमने आगे नहीं बनाया, फिर छोड़ दिया हमने। फिर लेखपाल हमसे बोला 1,500 रुपया दो। हमने कहा भाई भैया रुपया मेरे पास है नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, बाद में ले लेना। उसके बाद में लेखपाल ने खतरे काट गया। लेखपाल ने दोबारा गया तब बोला कि हमारे ये जगह यहाँ पर नहीं है, आगे जगह ये है, दूसरी जगह। उसके बाद चार जब लिखा पड़ी हो गई तो 4 लाख रुपया रमाकांत ने ले लिया, 40,000 रुपया पप्पू त्रिवेदी ने ले लिया बचत वाली जगह का। और तब भी मैंने बचत वाली जगह छोड़ दी, मैंने नहीं बनाया लेखपाल के कहने से। और लेखपाल को जो घूस नहीं मिली तो लेखपाल बोला कि यहाँ पे तुम्हारी संपत्ति यहाँ पे नहीं है, ये अगल है, ये नंबर अलग है, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में जब हम श्रीकांत शुक्ला के पास गए, श्रीकांत सत्यान विधायक के पास गए, तो विधायक जी ने कोतवाली के लिए लिखा। तो कोतवाली में तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि यहाँ पे ये बवाल हो चुका है, ये यहाँ नहीं निपटेगा, इसको आगे जाइए निपटाइए जाके। उसके बाद में फिर हम दौड़ के गए SDM पास में, तो SDM साहब ने हमको शनिवार को बुलाया कि कोतवाली आना है। फिर कोतवाली गए जब, तो कोतवाली में SDM साहब ने देख सुन के वो भी कह दिए कि हमारे बस में नहीं है ये कुछ, ये आगे पर निपटे जाके। तो आगे कहाँ निपटे जाके, हम महाराज आदित्यनाथ के पास जाएँ, कहाँ जाएँ बताएँ आप लोग, कहाँ जाएँ कि हम किसी हिजड़े के पास जाएँ जहाँ हल्लामा करें जाके। अगर हल्लामा पसंद हो तो हल्लामा करें, और नहीं कह दे कि जहाँ जिसके पास जाए उसके पास जाए, किसके पास जाएँ, या मोदी के पास जाए कि आदित्यनाथ पास जाएँ। SDM साहब ने आपको बुलाया था कि तहसील थाना दिवस में हम इसका निस्तारण करेंगे, आज उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, उन्होंने कह दिया हमारे बस में कुछ नहीं है, आप DM पास जाइए, जहाँ इच्छा हो तहाँ जाइए। तो क्या आप तुम DM साहब के पास जाओगे? हमारी जो हमारे जहाँ चलता है कहाँ तक हम जाएंगे। धन्यवाद। हाँ किया गया, तो जो भी व्यक्ति पीड़ित है वो थाने में अपना एप्लीकेशन दे, FIR कराए, उसको अधिकार है। क्योंकि पजेशन जो उन्होंने दिया है और रजिस्ट्री जहाँ की है, जिसकी ज़मीन है, जिसने रजिस्ट्री की, उसे तो पता होना चाहिए कि मेरी ज़मीन कहाँ पर है, लेकिन उसने गलत पजेशन दिया। हमारा लेने वाला भी जाने ना कहाँ प्राप्त कर रहे हैं, उसका भी दायित्व बनता है, लेकिन अगर इनको कोई दिक्कत है तो अपना इसे खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, है ना, यही इतनी जानकारी मिली। आज हम खड़े हैं उन्नाव जिले के बांगरमऊ कोतवाली के अंतर्गत, यहाँ थाना दिवस था। इस थाना दिवस में अन्य प्रकरणों के साथ एक प्रकरण आया था किन्नर का, गुड्डू किन्नर की ज़मीन को यही बेचा था एक रमाकांत शुक्ला मास्टर जी ने, उस ज़मीन को बेचा दूसरी जगह की, रजिस्ट्री दूसरी जगह की और पजेशन दूसरी जगह दिया है। अब तो वो किन्नर भड़बड़ाता हुआ रोता भी लगता घूम रहा है। आज उपजिलाधिकारी महोदय बांगरमऊ के पास उस किन्नर ने आकर प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर जिला उपजिलाधिकारी महोदय बांगरमऊ दिनेश कुमार सिंह ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लेकिन सोचने वाली बात है, जैसा कि वो किन्नर कह रहा है कि प्रधान ने भी 40,000 रुपये लिए और प्रधान प्रतिनिधि पप्पू त्रिवेदी ने भी 40,000 रुपये लिए है, लेकिन वो दोनों लिखा पढ़ी या किसी कागजी कार्रवाई में ना होने के कारण बच रहे हैं।
और किन्नर भड़बड़ाता घूम रहा है, उसको जमीन नहीं मिल रही है। एसडीएम बांगरमऊ ने विक्रेता रमाकांत शुक्ला पर मुकदमा लिखने का आश्वासन दिया है। श्रीभोर न्यूज चैनल बांगरमऊ 9। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।